साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी हिंदी के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं सरस्वती में 1906 ईस्वी से छपने लगी थी। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना चरम विकास पर पहुंची है। उन्हें भारत भारती से बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारत भारती में देश के अतीत और वर्तमान का चित्र खींचा गया और भविष्य की सुखद कामना की गई थी। गुप्त जी की कविताओं से खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली। भारत भारती की पंक्तियां हिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षित जनों को कंठस्थ थीं। जन जागरण का काम यदि किसी ने सबसे अधिक सफलता के साथ किया तो गुप्त जी ने। वस्तुतः गुप्त जी राष्ट्रकवि इसी कृति के कारण कहलाए। गुप्त जी व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। उन्होंने अपने युग के भावबोध को समग्रता में ग्रहण करके उसे चित्रित किया है। आधुनिक हिंदी काव्य में वैष्णव उदारता के वे प्रतिनिधि हैं। संकीर्णता की गंध न उनके व्यक्तित्व में थी न कर्तृत्व में। उनकी कविता का विषय क्षेत्र भी व्यापक है। भारत के सभी धार्मिक मतों एवं विश्वासों का समाहार उनकी काव्य भावना में हो गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक गुप्त जी ने ही लिखे हैं। उनकी वास्तविक काव्य प्रतिभा प्रबंध काव्यों में दिखाई पड़ती है। उनके प्रबंध काव्य अधिकांशतः पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। इन प्रबंध काव्यों की मूल संवेदना आधुनिक है। इनमें अतीत को नए बोध के अनुसार व्याख्यायित किया गया है। विकसित चेतना के आलोक में अपने धार्मिक ऐतिहासिक महापुरुषों को देखा गया है। गुप्त जी ने धार्मिक विश्वासों को आहत किए बिना कथा के भाव पक्ष को नए बोध से युक्त कर दिया। गुप्त जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य इस प्रकार है। साकेत, यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। यशोधरा, इसकी नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं।
विकट भट्ट। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की तीन पीढ़ियों तक चलने वाली कथा जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। रंग में भंग, यह राजपूती आन की कथा है। किसान, यह एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। सिद्धराज पलासी का युद्ध के अतिरिक्त जयद्रथ वध और पंचवटी उनके विख्यात खंड काव्य हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में गुप्त जी ने जय भारत नाम से महाभारत की कथा लिखी। उनकी संवेदना की व्यापकता का प्रमाण मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित जायनी नामक कृति है। गुप्त जी की कृतियों में आधुनिक युग की लोकोन्मुखता मानवीय करुणा के साथ घुल मिल गई है। उन पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट है। वे अतीत के प्रेमी हैं, किंतु वर्तमान की विषमता को देखने से कतराते नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे नए विचारों का स्वागत करने में पीछे नहीं रहते। इसीलिए उनका अतीत प्रेम भविष्योन्मुख है। वे लोक की महिमा प्रतिष्ठित करने वाले रचनाकार हैं। इसी से संबद्ध गुप्त जी की नारी भावना है। नारी परिवार के केंद्र में होती है। नई चेतना ने भारतीय नारी जीवन की पीड़ा को पहचाना। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में बेजोड़ हैं। नारी पात्रों पर स्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण गुप्त जी अचूक स्वाभाविकता एवं मनोवैज्ञानिकता के साथ करते हैं। उनके नारी पात्र स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्य परायण होकर अपनी निजी वेदना खो नहीं देते। साकेत की उर्मिला, यशोधरा की गोपा इस दृष्टि से बहुत जटिल किंतु स्वाभाविक और आधुनिक पात्र हैं। भारतीय नारी के जीवन के विषय में ऐसी मार्मिक उक्ति पूरे भारतीय साहित्य में शायद ही कहीं मिले। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी ने मुक्तक भी कम नहीं लिखे हैं। उनके मुक्तक व्यवस्थित होते हैं। भाषा का प्रवाह चाहे उनमें न मिले, किंतु स्थिति योजना की दृष्टि से वे चुस्त होते हैं। गुप्त जी ने कुछ बंगला काव्य कृतियों का अनुवाद भी किया है। माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध का जैसा उत्तम अनुवाद उन्होंने किया है, वो अभी तक काव्यानुवाद का प्रतिमान है। गुप्त जी ने गीत और गेय पद भी लिखे हैं। हरि गीतिका इनका प्रिय छंद है। प्रबंध काव्यों में यथास्थान वाक चातुरी, संवादात्मकता और वक्तृता पाई जाती है। कहीं कहीं तुकों का मोह अखरता है, जैसे वे निरंतर नए नए विषयों की ओर मुड़ते गए हैं, वैसे ही शिल्प की ओर भी। गुप्त जी ने अतुकांत रचनाओं में सफलता पाई है। मेघनाद वध का अनुवाद अतुकांत कविता में किया। बाद में ये छंद प्रवृत्ति, प्रसाद और निराला की रचनाओं में मिलती है। छायावाद के दौर में गुप्त जी ने उस ढंग की भी कविताएं लिखीं। गुप्त जी यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में नई कविता के आंदोलन के समय तक रचनारत रहे, किंतु प्रमुख काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक उन्हें
छायावाद पूर्व काल का ही रचनाकार मानना उचित होगा। आधुनिक काल के अंतर्गत मैथिली शरणगुप्त। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अरुण सिन्हा और राजश्री त्रिवेदी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।